यहाँ पे सूफियाना। तो यहाँ पे अलग तरीके का बारिश चल रहा है, मतलब यहाँ देख सकते हो, मतलब बारिश भी हो रही है और धूप भी निकला हुआ है, बादल पूरा साफ है, बट जाने के टाइम ही बारिश आ गई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों के एक और नए वीडियो में। और आज मेरे लिए स्पेशल नहीं, सुफियाना के लिए स्पेशल डे है, क्योंकि आज उसका पहला दिन है स्कूल का और सुफियाना यहाँ रेडी हो चुकी है। इतने दिनों की छुट्टियों के बाद ये पहला दिन है जब स्कूल जा रही है। कैसा लग रहा है सुफी? तो अभी जैसे ही स्कूल निकलना है, तो आप लोगों ने देख लिया बारिश हो रही है, अभी थोड़ा टाइम में हम लोगों को निकलना है। लाइट को ज़्यादा ही, हाँ यहाँ तक का ठीक है, जैसे यहाँ आता हूँ तो बाप रे लाइट इतना सारा। जो भी है अभी करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके बाद में स्कूल तो जाना ही है, छोड़ना ही है, पहला दिन है। तो यहाँ मुनाफा भी आ गई है। और सूफी नाश्ता किया आपने? हाँ, नाश्ता हमारा फेवरेट गांव का काले जी और चाय। पहले यहाँ आया था, ये ठीक हो गया, अभी यहाँ 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 मतलब चेहरे के पास घूम ही रहा है सूफी का प्रॉब्लम। हाँ गर्मी से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा आम का पेड़ दो, और यहाँ पे एक है, ये भी आम, हापुस आम, ये हापुस आम, ये इसका भाजी बना के हम लोग खा गए, ये एलोवेरा। बारिश थोड़ी हल्की हल्की कम हो गई है। तो यहाँ सुफियाना खुद से चप्पल पहनती है, अभी पहले बोलती थी अब्बू पहनाओ, अभी खुद पहनती है। स्कूल की तरफ से शूज तो नहीं मिला, बट उन्होंने बोला शूज खरीदने के लिए ब्लैक कलर का, वो हम लोग कल लेने वाले थे, दूसरे काम की वजह से नहीं ले पाए, तो अभी ये कीटो पहन के जा रहे हैं। बारिश हो रही है, थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ चाय पी के निकलता हूँ। ये सुफी का पार्ले जी, लाओ भाई चाय दो। लो जी चाय आ गया, जल्दी पियो टाइम नहीं है। ये दूसरी चाय किसकी है? मेरे लिए। क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि ये जो बुक है। एक मिनट, ये न्यूज़ में क्या चल रहा है? रेडी यहाँ पर आया था मैं, पहले जी 2018 में आया था, तो उस वक्त हमने मीटअप वीटअप नहीं करवाया था, ज़्यादा लोगों से मिले नहीं थे, क्योंकि हम राइड कर रहे थे, लेकिन इस टाइम मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। इससे पहले जो आया था वो द न्यूज प्लस था, और अभी जागरण न्यूज। और ये बुक का क्या बोल रहे थे? ये इंग्लिश का बुक है, जो बच्चे का एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको पहचानने के लिए, एबीसीडी बुक, तो इसको इजी हो जाएगा कि हाँ ये एबीसीडी है, ठीक है। ऊपर से देखने में सब सेम ही लगता है, तो ऐसा अभी स्टेशनरी की दुकान से मैथ्स का बुक ले लो ना, मार्कर से ऐसा ही 1 2 3 4 लिख दो ना, यहाँ पे सुफियाना सीनियर के जी भी ऐसा लिख दो ना, तो उसको ईजी हो जाएगा। संभल के जाओ, हाँ अच्छा से पढ़ाई करो, हाँ गुड गर्ल बनेंगे। अभी हम लोग आए हैं बुक लेने के लिए, ये है मैथ्स का, बट ये बड़ा स्क्वायर है, ये एक छोटा स्क्वायर, जो सुफियाना लिखती है वो ये वाले स्क्वायर में लिखती है। तो ये एक बुक लेते हैं, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 सुफियाना। इसमें दो कलर, सुफियाना का ड्रेस रेड, रेड के लिए रेड। मैं आई कार्ड सुफियाना के साथ में भेजना था, बट हमको लेट हो रहा था, इसलिए मैंने घाई घाई में मेरे ध्यान से उतर गया कि आई कार्ड भी लेना है। तो मुनाफा ने मेरे को फ़ोन करके बोली कि आई कार्ड ले लो, तो मैंने ले तो लिया, बट अभी दे नहीं सकता क्योंकि सुफियाना चली गई स्कूल के अंदर। तभी एक काम करेंगे, इसको फिलअप करके रखेंगे घर जाके, और नेक्स्ट डे आई कार्ड के साथ में भेजेंगे। तो अभी चलते हैं ऑफिस में, जो मेरी हंक है वो ऑफिस में ला के रखा है, और एक्सपल्स में चला रहा था, एज ए टेस्ट कर रहा था, तो बहुत ही अच्छी है बाइक। तो अभी टाइम आ गया वापस रखने का, तो अभी चलते हैं वापस रखते हैं, और अपनी पुरानी वाली लाल प्यारी लेके आते हैं। अभी जस्ट आया हूँ ऑफिस में, और ऑफिस का हाल ये है, यहाँ पे सफ़ीक और यहाँ पे गौरव जी लगे हुए हैं। वॉच बता दे रहा, वॉच, ये वॉच का टेस्ट कर रहे हैं कि साउंड वगैरह कॉलिंग में कैसा आ रहा है, वही चालू है इन लोगों का। ये नया लिया है क्या? हाँ। नॉइस का है ये? ओहो खर्चा हो रहा है। खर्चा नहीं हुआ है, वो ऑफर में था तो खर्चा हुआ है, मतलब 4 महीने से डिसाइड चल रहा था नॉइस लेना, लेकिन प्राइस कम डाउन हुआ देख रहा था। कितने का था और कितने का पड़ा? 4000 का था, 2700 रुपये का।
इसीलिए खरीदा है। मैं भी सोचता हूँ कि एक स्मार्ट वॉच पहनूँ, मतलब यूज़ ही नहीं है तो अभी लेके मतलब नहीं है, जब यूज़ होगा तब लेंगे। अभी करेंटली अभी कुछ नया लेना ना वो है बाइक, अभी भाई सो रहा है, अब भाई उठेगा उसके बाद में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। एक्सपल्स तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मुन्ना ने भी बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है कि वो कम्फर्टेबल है, बट एक ही दिक्कत है उसमें, सीट बहुत पतली है, सीट थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए जिसपे हम लोग अपनी तशरीफ अच्छे से रख सकें। मेरे हिसाब से ना एक्सपल्स को है ना पतली सीट इसलिए दिया है क्योंकि राइडर उस पर बैठेगा कम, खड़े होके ज्यादा चलाएगा, कम यूज है ना तो कम यूज में ज्यादा खर्चा नहीं करने का, तो हीरो वाले ने सोच समझ के पतली सीट बनाई। खाना दिए स्कूल वाले? कैसा लगा आपको पहला दिन स्कूल का? तो अभी हम लोग आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और यहीं पे है गन्ने का जूस। गन्ने के जूस में मसाला नहीं, चेस सुपी, अच्छा छोटा सा चेस, चेस। गर्मी में गन्ने का जूस एक नंबर, कैसा लगा सुपू का? एक नंबर, अंगूठे से बोल रही। इसमें ग्लास रखो सुपे। सो अभी मैं आया हूँ मेडिकल में और मुन्ना ने कॉल करके कुछ काम दिया है मेडिकल से कुछ लाने के लिए, तो मायम स्टेशन है इसके सामने मेडिकल है उसी में मिलता ही है, मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं है ये। कुछ चाहिए आपको? हाँ। क्या चाहिए? वो ग्रीन वाला दे दो ना, लेस ना, ये चाहिए। लो। सो अभी मैं जा रहा था घर पे और मेरी नज़र पड़ी इस पे, तो ये मैं बचपन में खाया करता था, बहुत ही टेस्टी होता है ये भी मायम स्टेशन के सामने ही मिलता है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो मैंने ये सब सेलेक्ट किया हूँ, तो अभी ये लेते हैं। सुबह ये बैग में रखो, इसमें चने का है, फिर इसके बाद में सेंग है और ये तिल का लड्डू है, ये लो पकड़ो। तो अभी चलते हैं घर पे। गर्मी ने इतना हालत डाउन कर दिया है ना, घर पे आने के बाद बैठना नहीं होता, लेटना होता है। अभी सूफी यहाँ पे चेंज कर लिए, स्कूल का कपड़ा निकाल दिए, एक ही ड्रेस है, वही ड्रेस को पहन के घूमेंगे तो गंदा हो जाएगा ना। अभी खाना खाने का टाइम हो गया तो खाना खा लेते हैं। खाना लग चुका है, खाने में है चिकन बिरयानी और सलाद, और मीठे में है शीर खुरमा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बना है भाई के आने की खुशी में, मम्मी ने बनाया। सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए और इतने में भाई की एंट्री। तो कैसा रहा आसाम का ट्रिप? एकदम मस्त। अभी जो गर्मी है वहाँ पर भी गर्मी थी लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं, यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हुई। और खाना कैसा था वहाँ का? घर जैसे। और एक एक्सपीरियंस पूछना था, वो बाहुबली थाली का क्या एक्सपीरियंस है? बाहुबली थाली तो पूरी खत्म ही नहीं हुई, सब भाजी ट्राई किए, 26 के 26 ट्राई किए मगर खत्म नहीं हो पाया। चलो बढ़िया, कभी हम लोग जाएंगे तो हम ट्राई करेंगे और हम खत्म करेंगे, एक ही मंगाएंगे दोनों खाएंगे। हाँ, तो एक प्लेट में दो कर सकते हैं। हाँ, खत्म हो जाएगा, एक प्लेट में दो लोग खाएंगे तो खत्म हो जाएगी। उनका हेल्पिंग नेचर है तो वो करते ही हैं। हेल्पिंग नेचर मम्मी का भी कितना है। मैं हेल्प करूंगी सबका, आपो के जैसा, सबका हेल्प करो चाहे खुद की वाट लग जाए, सबकी हेल्प करने। चलो बूम निकला था, अच्छा था। यहाँ पे खाने के बाद मिठाई, सोच रहा हूँ खाऊं कि नहीं खाऊं क्योंकि जगह ही नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत दो चम्मच तो खा लूंगा। बिरयानी खाने के बाद ऐसे फैलते हैं कैसा लगा बेटा? हाँ मम्मी से पूछते ना तू, कैसा लगा मम्मी ने पूछा, बता। बहुत ही बढ़िया था, बस यही बोलेगा बहुत ही बढ़िया को छोड़ के क्या बोल सकता है? एक नंबर बहुत बढ़िया को छोड़ के क्या बोलेगा? माशाल्लाह क्या बिरयानी थी, आप कुछ नया है? ठीक है, अब नया बोले थोड़ा मैंगलोरी स्टाइल में, माशाल्लाह। और वो बोलते हैं मुश्किल नहीं वाला जो है ना, मैंने दुबई में बहुत देखा था, दुबई अबू धाबी में लोग बहुत, वहीं पे सब अम्मो एम्मो अज्जो ये सब अबू अंकल सब वहीं से आए हैं। ये जो ब्लॉग है ना, इसके स्टार्टिंग में ही हम लोग ने सुबह में जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तभी हम लोग ने न्यूज में देख लिए थे कि तुम्हारा न्यूज आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि यूट्यूब का, वो चैनल पे आ रहा था। भाई आया है असम से, खाली हाथ नहीं आया है, साथ में यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे पेंटिंग भेजा है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सेकंड यहाँ पे है जायनमाज जो हम नमाज पढ़ेंगे इस पे,
और थर्ड है असम की टी। भाई ये क्या क्या स्पेशल है इसमें? दुनिया में जहाँ पर चाय फेमस है वहाँ से ये फेमस चाय आया है। अच्छा, तो इसकी अंदर की जो चाय पत्ती है उसमें खास बात क्या है? तुम पिए हो इसको? उसकी क्वालिटी जो है ना माशाल्लाह, मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा है। चाय में हम चाय क्यों पीते, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। तो कैफीन का जो इसमें हिट है ना वो थोड़ा ज्यादा है। सुबह सुबह पी के जो नींद खुलेगा ना वो जल्दी खुलेगा, वो हिट ऐसा लगेगा। मेरा भाई का बर्थडे, बर्थडे विश करो। बाकी कोई मुश्किल नहीं, माशाल्लाह सब बढ़िया एकदम ओरिजिनल फ्रेश। जब ये घर पे बनेगा तो जरूर आप लोगों को बताएंगे किसी ब्लॉग में। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं।